इतनी सुंदर है। तुम आज कोई भी टीम मिस पूरी कर सकती हो। आ गई हूँ मैं, तुम्हारी तो खैर नहीं। खिलौने ले लो खिलौने, खिलौने ले लो खिलौने। मम्मी खिलौने 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 वाले अंकल, रुको रुको रुको। खिलौने आपको खिलौने चाहिए बेटा? डोरेमोन के शक्ल वाले भैया, हमारे पास ना बहुत सारे खिलौने हैं, हमें नहीं चाहिए। पर तुम चलो यहाँ से। मम्मी मम्मी प्लीज ले लो ना खिलौने, प्लीज। परी तुम खिलौने लेती हो और उनके साथ खेलती भी नहीं हो। मम्मी प्लीज, अब से ना मैं खिलौने की कदर करूंगी और मैं रोज पढ़ाई भी करूंगी, रोज पढ़ाई करूंगी मैं। ठीक है भैया, बोलो कितने के ये? एक मिनट में दिखाता हूँ। ये चाहिए आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये बॉल चाहिए? नहीं, नहीं। फिर ये गुड़िया चाहिए? वाह, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। और इसका नेकलेस और भी सुंदर है ना मम्मी? हाँ ये सुंदर। बोलो कितने के ये? ये सिर्फ 50 रुपए की है। 50 रुपए? रुको, 50 रुपए की गुड़िया। मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं? अरे बेटा, इसका नाम है चोमू। आज से ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? चलो बेस्ट फ्रेंड, हम जाते हैं। ठीक है ठीक है, भाई जा रहे हैं हम। चलो ये देखो चोमू। हाँ चोमू चोमू। मेरी प्यारी डॉल, इन डॉल लोगों की लाइफ कितनी मस्त होती है। इन्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, इन्हें कोई नहीं डांटता, सब लोग इनसे प्यार करते हैं। क्या तुम्हें भी गुड़िया बनना है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? लच्छा। कौन है यहाँ पर? परी, मैं चोमू, तुम्हारी न्यू फ्रेंड। चोमू? तुम बात कैसे कर सकती हो? मुंह से? हाँ, मैं तुम्हारी कोई भी तीन विश पूरी कर सकती हूँ, बताओ। तीन विश? रुको मुझे सोचने दो। तुम भी नहीं तो कहोगा, मुझे डॉल बनना है। डॉल की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, तो तुम डॉल बन जाओ। हाँ, तुम्हारी आइडिया ना बहुत अच्छी है, मुझे ना डॉल बना दो। ठीक है, मैं ना तुम्हें 5 मिनट्स के लिए डॉल बना देती हूँ। 5 मिनट? ओके। फाइनली, इतने सालों के बाद मैं आजाद हो गई। मुझे वापस से परी बना दो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चुप बैठो, मैं कोई विश पूरी करने वाली डॉल नहीं हूँ, मैं एक पापी गुड़िया हूँ। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? अब मैं इसी डॉल की बॉडी में कैद हो गई हूँ? हाँ। मम्मी मम्मी, कोई फायदा नहीं है चिल्लाने, मेरे अलावा तुम्हें कोई सुन नहीं सकता। परी, डॉल के साथ खेलकर हो गया तो खाना खाने आ जाओ। लगता है इस परी की मम्मी मुझे बुला रही है। आज देखती हूँ इंसानों का खाना कैसे होता है। चलो मेरे साथ। ये लड़की कब आएगी पता नहीं। आ गई हूँ मैं। कहाँ पर है मेरा खाना? परी, खाना तो यही है, पर ये क्या हालत बना रखी है? ऐसा लग रहा है कि नाली साफ करके आई हो। हाँ, खाना खा के तुरंत मुंह धोने जाना। हाँ ठीक है। कैसा लगा खाना? फेवरेट है ना तुम्हारा? क्या हुआ परी, खाना अच्छा नहीं है? अच्छा लगेगा भी कैसे इस पापी गुड़िया को, कभी इंसान वाला खाना खाया ही नहीं। चुप किसको बोला? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। रुक तो। चुप बोलती है, माँ को चुप बोलती है। चलो, डॉल बनने का एक फायदा तो है, मम्मी की
बात तो नहीं सुननी होगी। मम्मी मारो इसे और मारो, जोर से मारो मम्मी, उसे बहुत मारो। यस अब खा लो। मुझे नहीं खाना ये का कैसे खाना जी, मुझे नहीं खाना। चेंज करके आती है। बैठो तुम यहाँ पर। A few minutes later. उठो जरा, अब मुझे बैठना। ओह वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। सेम टू सेम चुड़ैल हमारे प्रिंसेस। कोई फायदा नहीं, इतनी सुंदर हो अंदर से तो चुड़ैल ही हो तुम। और ये नेकलेस क्यों पहनती हो तुम? बांग। ये नेकलेस? मैंने तुम्हें बोला था ना, इसी में मेरी सारी पावर है। ओके। हाँ तो तुम्हें मेकअप करना आता है? अरे वो तो नहीं आता मुझे। ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसे करना। तुम्हें आता है? हाँ। हाँ ठीक है ठीक है, चलो तुम ना यहाँ पर बैठो और मुझे बताओ कैसे करना है। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या क्या करना है। फिर पाउडर लगाओ। सबसे पहले लिपस्टिक लो। आईलाइनर लगाओ। परी, तुम्हें सुबह ही तो बोला था कि मुंह धो के आना, और ये क्या लगा कर आई हो? मेकअप किया। मेकअप किया है? तुम चुड़ैल लग गई हो। रुक तू, अब तुम्हें देखती हूँ। ये मम्मी इसे ना और मारो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इसे मार मिल रहा है तो मम्मी और मारो और मारो, इसे तो चटनी बना दो। मेकअप चाहिए, मेकअप चाहिए, मेकअप। अरे भागो। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तुम्हें पता तुम्हारी मम्मी ने मुझे कितना मारा? और तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मम्मी मेरी बहुत तारीफ करेगी, ये करेगी। पता कितना मारा मुझे, चप्पल भी मारा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मेरी तो करती थी वो, शायद तुम्हारी शक्ल किसी हॉरर मूवी के भूत से मिल रही है इसलिए मम्मी डर गई। ये क्या, तुम्हें मजा आया था? तुम्हारी जो बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है ना? अगर मेरे साथ ऐसा मजा फिर से किया ना तो और भी ज्यादा दर्द होगा। और वैसे भी कल तुम मेरे लाइफ से जाने वाली हो हमेशा के लिए। मतलब? मतलब कि नरक से शैतान आएगा और वो तुम्हें लेकर चला जाएगा, और तुम्हारे बॉडी में मैं हमेशा परी बनकर रहूंगी। और मेरी मम्मी पूरे दिन तुझे मारेगी, उसका क्या? अरे वो भी तो है, बहुत मारती है तेरी मम्मी मुझे। नहीं मुझे नहीं जाना, मेरी फैमिली को छोड़कर मुझे नहीं जाना। अच्छा, अगर तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा के पास है ना, तो हमेशा के लिए तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। ठीक है? मैं तेरी गुलाम नहीं बनूंगी। नहीं बनूंगी? क्या
बताना है मम्मी, आपको पता हमने जो रोड से वो डॉल लाई थी? हाँ पता, वो डॉल कोई नॉर्मल नहीं थी, वो एक पापी गुड़िया थी जिसने मेरे बॉडी पर कब्जा किया था। परी, मेरा कोई मूड नहीं है स्टोरी सुनने का, तुम जाओ ऐसे। मम्मी मेरी बात सुनो ना। मम्मी हा? वो क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। ओ, तुम्हें भूख लगी है? हाँ, तुम्हें तो मेरे हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी वो मैं नहीं थी, वो पापी गुड़िया थी वो। परी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मम्मी मम्मी ऐसा मम्मी। परी मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे मम्मी आप ऐसा क्यों करती हैं हमेशा? दोस्तों अब आप ही मेरे मम्मी को समझाना कि वो मैं नहीं थी, वो पापी गुड़िया है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मेरे अमेजिंग प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पर जाकर आप मेरे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जाके फॉलो कीजिए। और परी लाइफस्टाइल ऑफ अमेजिंग शॉर्ट्स भी बनाते हैं तो उसे भी जाके चेकआउट करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। मम्मी को आना दो ना प्लीज।